राका पार्टी के सभी प्रदेश व शहर पदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष और फ्रंटर प्रमुखों द्वारा गणेशपेट राका पार्टी कार्यालय में मेट पांजरा से चुनाव जीतने की खुशी में सलील देशमुख ने बधाई दी गई। साथ ही ढोल ताशे की धुन पर नृत्य करते हुए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आइए डालते एक नजर। मेट पांजरा सर्कल से सलील देशमुख, इन्होंने चुनाव जीता है की खबर आते ही नागपुर राका कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने संदल निकालकर झंडे लहराते हुए जीत की खुशी मनाई। आइए देखते हैं कुछ अंश। जिला परिषद के चुनाव और पंचायत समिति के चुनाव की आज मतगणना हुई, जिसके चलते नागपुर के जिला परिषद पंचायत समिति के बारे में यदि हम बताना चाहें तो कांग्रेस ने इस बार एक लंबा हाथ मारा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे 30 उम्मीदवार जीत चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 15 उम्मीदवारों को जीत मिली है। आज जीत का जश्न इस प्रकार से मनाया जा रहा है। इस समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस के गणेश नगर के उस कार्यालय में है जहां मेट पांजरा जिला परिषद सर्कल से सलील देशमुख 4400 वोटों से वे जीत चुके हैं ये चुनाव, और जिसके चलते कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भी था। अब हम ऐसे कार्यकर्ताओं के पास है और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या उनकी अपनी प्रतिक्रिया। इस समय में शहर के अध्यक्ष अलका कामे हमारे साथ में। अलका मैम, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज सलील देशमुख के जीतने पर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पे जो शेतकरी का प्रॉब्लम था, शेतकरी जो 7-12 कोरा करने का प्रॉब्लम था, या उनका जो बियाना था वो खराब हो गया था, ये सब सवाल हम राष्ट्रवादी वालों ने उठा के रखे थे। शेतकरी के हित में हमने यहाँ पे आंदोलन किए, उसके वजह से आज अनिल जी देशमुख भी बहुत भारी मतों से चुनकर आए हैं। सलील जी देशमुख भी पांजरा मेट पांजरा से बहुत भारी मतों से चुनकर आए, यह हमारा राष्ट्रवादी का विजय है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहोगे? हमारे कार्यकर्ता में तो बहुत ही अच्छे से खुशी का वातावरण है, और इस बार महाविकास आघाड़ी ने जो हमारा जे जनते ने हमारा जे सहकार्य केलं आणि सलील दादा देशमुख यांना जे 4500 मतांनी जे 400 काही मतांनी निवडून दिलं, त्यांना आम्हाला खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि आम्ही सर्व कार्यकर्ते खूप आनंदामध्ये आहे। त्यामुळे आम्हाला महाविकास आघाडीला खूप चांगलं समर्थन मिळालं, त्यामुळे आम्हाला सलील दादांच्या मागे आम्ही हमेशा राहिलेलो आहे आणि आमचे अनिल बाबू देशमुख हे आमचे खूप मोठे नेते आहेत, यांना आमचं मार्गदर्शन लागलं आणि सर्व लोकांना यांचं खूप मोठं मार्गदर्शन आहे। त्यामुळे यावेळेस आम्हाला राष्ट्रवादीला चांगल्या भरपूर यश मिळालेलं आहे या विदर्भामध्ये, म्हणूनच आम्ही यावेळेस कार्यकर्ते जल्लोषाचा याच्यामध्ये आहे। बिलकुल, जिस प्रकार से इन्होंने जल्लोष किया, आप थोड़ा ऐसा हो जाए, थोड़ा यहाँ प्यान कीजिए। एक यहाँ पे जो फोटो दिखाई दे रही है, ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद चंद्र जी पवार साहब, जो पवार साहब नागपुर के एक ऐसे संतरे के पेड़ के पास है और संतरे को वो निखार रहे हैं, गौर से देख भी रहे हैं कि मेरे शहर का संतरा कितना अच्छा है, और संतरे की जैसे उनके कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने जो एक बीज जो राष्ट्रवादी के नाम से बोया था, आज वो इस प्रकार का एक फल उस पेड़ को लगे हुए है, और यही फल चाहे विधायक हो, चाहे खासदार हो, या हो फिर जिला परिषद सर्कल के वो उम्मीदवार सलील देशमुख। सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष रिजवान अंसारी साहब, ऐसा है कि आज शहर में नहीं बल्कि देश में जो वातावरण है और बीजेपी के विरोध में लोग सड़कों पे जिस तरह उतर रहे हैं, आज ये उस बात की गवाही है। आज का रिजल्ट ये बता रहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। बीजेपी ने जिस तरह से NRC और CAA लागू किया, अगर लोग, हिंदुस्तान की जनता, ग्रामीण की जनता अगर उनके साथ होती तो आज जो रिजल्ट है वो उनके पक्ष में आता, लेकिन रिजल्ट जो है उनके विरोध में आया, तो इसका समझ में आता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो NRC लागू करना नहीं चाहती। और हम आज माननीय शरद चंद्र पवार साहेब और हमारे नेता माननीय अनिल देशमुख साहेब, जिन्होंने हमें जो ताकत दी और बताया कि देश जो मांगता है, देश की जो जरूरतें हैं, हम उसको आगे लेकर चलना चाहिए। आज शेतकरी की जो प्रॉब्लम है, उस शेतकरियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे आई है, ये उसका नतीजा है कि आज सलील दादा देशमुख आज भारी बहुमतों से विजय रहे, आज वो 4400 मतों से चुनकर आए। ये किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी कि राष्ट्रवादी के जो है उम्मीदवार इतने भारी बहुमतों से चुनकर आएंगे। मैं सलील दादा देशमुख को
तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ये शुभकामना करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो हमारा ऐसी मार्गदर्शन करेंगे और नेतृत्व करते रहेंगे। जय हिंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष। आप थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि मेट 15 से जिस प्रकार से जिला परिषद सर्कल के सलील देशमुख भारी बहुमतों से जिन्होंने जीत का परचम लहराया है उसका इन्होंने काफी अभिनंदन भी किया है और हो भी क्यों ना, जिनके साथ 80 साल की जिनकी उम्र और काफी तजुर्बेकार शरद पवार साहब जिनके साथ खड़े हैं, ऐसे राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार तो जीतना लाजमी है। और इस समय में जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस आघाड़ी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस आघाड़ी के तमाम उम्मीदवारों को जिस प्रकार से जीत का परचम लहराने के लिए जो मदद की है वो अपने आप में कि क्योंकि लोग भी जानते हैं कि इस शहर में हो क्या रहा है और लोग ये भी जानते हैं कि कौन से उम्मीदवार को जीत दिलाने के बाद में उम्मीदवार क्या करना चाहेगा। जिस प्रकार से इन कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सलील देशमुख और अनिल देशमुख साहब की तो उस समय में कैबिनेट मंत्री के तौर पर वे उनकी नियुक्ति भी की गई थी, इतना ही नहीं तो उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। अब की बार जिला परिषद सर्कल से सलील देशमुख जो चुनाव जीत के आए ये किसानों के लिए यकीनन 100% काम करेंगे, इस प्रकार का विश्वास इन्होंने दिला है। इनका ये विश्वास भविष्य में सही हो यही शहर की जनता चाहती है और कामकाज हो, गोर गरीब लोगों के कामकाज हो और ये लोग उनके काम में आए और इन लोगों को किसी भी प्रकार की शहर के नागरिकों को समस्या न हो, ये सबसे बड़ी बात है। चाहे जात पात का राजकारण हो या बेरोजगारी का आलम हो, शिक्षा का बात हो, ऐसी कई समस्या है इन दिनों शहर में बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है, इसकी रोकथाम करने के लिए इस प्रकार के कामकाज होना चाहिए और शहर की जनता को आपस में शांति और भाईचारा बनाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय संजय मीरा।